हेलो दोस्तों, आज मैंने आपको फिर एनर्जी बना के दिखाऊंगा चार्मी की, आपको रियल एंड फेक का भी आपको पता आसानी से चल जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों यूट्यूब पे हमको किस प्रकार लोग वीडियो बनाते हैं ये फिर एनर्जी के नाम पे, लेकिन फिर एनर्जी ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो आप पूरे वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए, आपको पूरी सच्चाई आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने मैग्नेट ले लिया हूँ, और मैग्नेट लेने के बाद मैंने रिंग को भी इसके ऊपर आसानी से रख दिया है। और अब इसको टेस्टिंग करने की बारी, देखते हैं कि इसका कौन ये इस प्रकार करता है या नहीं करता है। तो अब मैंने दो वायर देख लिए हैं कि अब मैं लाता हूँ इसको डीसी मोटर से, इसको चेक करता हूँ डीसी मोटर इसमें लगा लेता हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने इसमें एक वायर तो मैं इसमें जोड़ देता हूँ, और दूसरा वायर हम जोड़ेंगे जब आपको हमको रियल रोड का पता चलेगा। अगर ये होगी तो चल जाएगी। तो दोस्तों मैं देख सकते हो कि मैं अब इसमें इसमें लगाऊंगा, तो अब टेस्टिंग करने की बारी है। तो दोस्तों हो ये तो चल गई। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि रियल है या फेक, तो आपको तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि रियल है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको पीछे की जानकारी आपको मैं आगे और बताऊँगा, आप वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए। लेकिन आपको लग रहा है कि बिल्कुल रियल है, देख सकते हो कि मैंने इसको उठा के भी इसको बताऊँगा। दोस्तों आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से इसका काम वर्क कर रहा है, देख सकते हो मैंने उसको उठा के भी बताया। लेकिन आपको लग रहा है इसमें कहीं मैंने वायरिंग लगाया है, कहीं से भी वायर लगाया है, ये सच में से चीज़ एनर्जी है। लेकिन दोस्तों रुके, वीडियो को पूरा एंजॉय जबकि तो वीडियो को एंजॉय करना, आप वीडियो को लास्ट तक अभी तक जरूर देखना। आप देख सकते हो दोस्तों ये डीसी मोटर अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है, और ये बिल्कुल फ्री एनर्जी की तरह लग रहा है, इसमें फेक होने का कोई काम नहीं है। आपको देख सकते हो कि टेबल है, इसमें कोई पेज वगैरह या कोई होल वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है। तो दोस्तों अब बताऊंगा आपको पूरी इसकी जानकारी, इसके पीछे का राज। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको पानी के अंदर इसमें माइक वायर लगाया था जो दो है, जो बिल्कुल बारीक है, जो मैंने डीसी मोटर से निकाला था। आप देख सकते हो किस प्रकार मैंने इसमें इसका जुगाड़ किया था, जिसमें आपको लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा होगा। तो आप ही देख सकते हो, मैंने इसमें जूम करके भी बताया, और आपको दोनों तरफ एक एक वायर लगाया, और एक राज हो रहा है जिसको जो सबसे इम्पोर्टेंट राज वो ही है, उसी से पूरा काम होता है। तो ये मैंने इसमें बैटरी लग दी थी साइड, जो लैपटॉप बैटरी थी उसको मैंने लग दिया साइड में। आप देख सकते हो मैंने थर्मल कटर से उसको काट कूट के लगाया था, और आप मैंने इसको पूरी सेफ्टी के साथ या सफाई से इसको वर्क किया था, तभी ये लोग भी ऐसे ही करते हैं, और मैंने भी ऐसे किया था। लेकिन मैं आपको रियल एंड फेक का पता चल पा रहा हूँ, इसका पूरा राज खोल रहा हूँ। अब जो आप जो राज है इसके पीछे का ये वो ही है। तो आप देख सकते हो मैं इसको थर्मल से इसको सही से काट लेता हूँ, जिसके बाद बताता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आपको कुछ दिख रहा होगा इसमें कि दो वायर हैं, लेकिन आपस में नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन ब्लैक ब्लैक है। तो बात ये पूरी यहीं पे है, अगर ये दोनों वायर जुड़ते तो इधर उधर करंट ट्रांसफर नहीं होता, होता तो इसमें शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता था, इसलिए पीछे से वायर कट रहा है। और ये अगर इधर उधर मतलब सिंगल सिंगल वायर है, ब्लैक ब्लैक अलग और रेड रेड, लेकिन इसमें ब्लैक में से इसमें काटा है। तो आप देख सकते हो कि दो वायर है, लेकिन ये बीच में आपस में नहीं जुड़ा, तभी जाके इधर उधर करंट ट्रांसफर करता है दोनों तरफ, प्लस माइनस वन, माइनस माइनस, प्लस प्लस, प्लस माइनस, दोनों मिलते तो शॉर्ट सर्किट हो सकता था। पूरा राज यही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।